पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए। सहसा एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सैरंध्री द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा सैरंध्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी उसकी कामुक दृष्टि को भांप गई। द्रौपदी ने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा भी कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक न एक दिन वे कीचक का वध देंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सैरंध्री ने बल्लभ भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढक कर वहां लेटे हुए थे। उन्हें सैरंध्री समझकर कमोत्तेजित कीचक बोला, हे प्रियतमे, मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है, अब तुम उठो और मेरे साथ रमन करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछल कर उठ खड़े हुए और बोले, रे पापी, तू सैरंध्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है, ले अब परस्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसके गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर बल्लभ और सैरंध्री चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट, कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया, अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी ये दुर्दशा की है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सैरंध्री के कारण हुई है, अत इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध के और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, बल्लभ, वृहन्नला, तंतिपाल तथा ग्रांथिक के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लांग कर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़ कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े। उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला, जो शेष बचे हुए अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान में लौट आए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर महाराज विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत रहने लगे। कीचक के वध की सूचना आंधी की तरह फैल गई। वास्तव में कीचक बड़ा पराक्रमी था और उससे त्रिगर्त के राजा सुशर्मा तथा हस्तिनापुर के कौरव आदि डरते थे। महल में केवल राजकुमार उत्तर ही थे। प्रजा को रक्षा के लिए गुहार लगाते देखकर सैरंध्री द्रौपदी से रहा न गया और उन्होंने राजकुमार उत्तर को कौरवों से युद्ध करने के लिए न जाते हुए देखकर खूब फटकारा। सैरंध्री की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तर ने शेख ही बघारते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर सैरंध्री ने कहा,
राजकुमार वृहन्नला बहुत निपुण सारथी है और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी है। तुम उसे अपना सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंतत राजकुमार उत्तर वृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उर्वशी के शापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी खत्म हो चुकी थी। आत्मार्ग में अर्जुन ने उस शमशान के पास, जहां पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, रथ रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उनक रथ युद्ध भूमि में पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार उत्तर अत्यंत घबरा गया और बोला, वृहन्नला तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। वृहन्नला ने कहा, हे राजकुमार, किसी भी क्षत्रिय पुत्र के लिए युद्ध में पीठ दिखाने से तो अच्छा है कि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और करो युद्ध। किंतु राजकुमार उत्तर पर वृहन्नला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूद कर भागने लगा। इस पर अर्जुन वृहन्नला ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट कर रहा हूँ। मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और कर्ण, युधिष्ठिर, बल्लभ, भीमसेन, तंतिपाल, नकुल तथा ग्रांथिक सहदेव हैं। अब मैं इनसे युद्ध करूंगा, तुम अब इस रथ की बागडोर संभालो। ये वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गदगद होकर अर्जुन के पैर पकड़ लिया के देवदत्त शंख की ध्वनि रणभूमि में गूंज उठी। उस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीष्म से बोला, पितामह, तो अर्जुन के देवदत्त शंख की ध्वनि है, अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। दुर्योधन के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति जानने वाले हैं। बिना अवधि पूरी किए अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता। मैंने भी गणना कर लिया है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। दुर्योधन एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोला, अब जब अर्जुन का आना निश्चित हो चुका है तो पितामह, हमें शीघ्र ही व्यूह रचना कर लेना चाहिए। इस पर भीष्म ने कहा, वत्स, तुम एक तिहाई सेना लेकर गौओं के साथ विदा हो जाओ। शेष सेना को साथ लेकर हम लोग यहाँ पर अर्जुन से युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह के परामर्श के अनुसार दुर्योधन गौओं को लेकर एक तिहाई सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। ये देखकर कि दुर्योधन रणभूमि से लौटकर जा रहा है, अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ा दिया और भागते हुए दुर्योधन को मार्ग में ही घेर कर अपने असंख्य बाणों से उसे व्याकुल कर दिया। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के सैनिकों के पैर उखड़ गए और वे पीठ दिखाकर भाग गए। सारी गौएं भी रंभाती हुई विराटनगर की ओर भाग निकली। दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घिरा देखकर कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि सभी वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। कर्ण को सामने देखकर अर्जुन के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने कर्ण पर इतने बाण बरसाए कि उसके रथ, घोड़े, सारथी सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए और कर्ण भी मैदान छोड़कर भाग गया। कर्ण के चले जाने पर भीष्म और द्रोण एक साथ अर्जुन पर बाण छोड़ने लगे, किंतु अर्जुन अपने बाणों से बीच में ही उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। अंततः अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर सारे कौरव मैदान छोड़कर भाग गए। कौरवों के इस प्रकार भाग जाने पर अर्जुन भी विजयशंख बजाते हुए विराटनगर लौट आए।